नाम राजेश भाई नारायण भाई पटेल है। मैं गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में उमरगांव तालुका में टिम्बी गांव में रहता हूँ। और मेरा फार्मिंग का खास बिजनेस है, तो फार्मिंग में मैंने एवन फेंस से एक चैनलिंग ला के पूरे फार्म में लगाई। मैं पहले मेरे फार्म में खाली बारबेड वायर लगाता था, तो मार्केट से खरीदता था, तो 3-4 साल या कुछ वायर ऐसा रहते कि 5-6 साल में ख़राब हो जाते थे। मैंने एक जगह पर मेरा दोस्त के यहाँ लगा हुआ देखा चैनलिंग, तो मेरे दिमाग में आया और मैंने फिर एवन फेंस का बायोडाटा निकाला और वहाँ से मैंने अथाल में आई हुई इंडस्ट्री लिए वहाँ गया। फिर वहाँ से मेरे को उसके बारे में सब नॉलेज लिया मैंने। फिर वहाँ से बारबेड वायर लाया, मेरा ये 50 एकड़ का पूरा फार्म है, तो 50 एकड़ का फार्म में पूरे फार्म में मैंने आधे में जो पीवीसी कोटिंग वाले जो बारबेड वायर है वो, और आधे फार्म में जीआई वायर का जो है वही लगाया हुआ मैं। और मैंने उसके साथ ऊपर बारबेड वायर 2 लगाया हुआ है ताकि उसके उसको जो फिटिंग के लिए मजबूती चाहिए वो मिल सके, सही से रह सके और ऊपर से कोई आ भी नहीं सके। ये लगाने से फार्म में कुछ भी चीज़ के समझो कि कुछ भी जानवर जो पहले बारबेड वायर में से घुस जाते थे वो अभी कोई नहीं आता, अंदर आ नहीं पाता है। एक्चुअली लगाने का रीज़न ये है कोई था, पर ये लगाने के बाद मेरे को पता चला कि ये इसका लाइफ लाइन भी ज़्यादा है। काफ़ी एरिया में मैंने 8-10 साल से भी लगाया हुआ है और कुछ एरिया में मैंने 4-5 साल में लगाया है। अभी मैंने पूरा फार्म कवर कर लिया और पूरा जो एवन फेंस से ही ला के किया हुआ है मैंने। तो मेरा मानना है कि फार्मिंग में लगाना चाहिए तो जीआई लगाना चाहिए, कोटिंग से बेटर। और जहाँ अपना रेसिडेंस वगैरह है वहाँ ये जीआई लगा सकते हैं। पहले जो खाली ये लगाते थे तो बीच में से समझो डॉग्स वगैरह जो आ जाते थे तो आजकल नहीं आ रहे हैं, तो उसे बाकी कुछ भी समझो उसको पिग बुंड बोलते हैं, तो पिग डॉग्स वगैरह अंदर से घुस जाते थे वो आज नहीं घुसते। आज फार्मर को सबसे ज़्यादा पिग का ही प्रॉब्लम है। करेंगे ना, मैंने बताया ना बारबेड वायर में पहले लाता था तो 3-4 साल में ख़राब हो जाते थे, आज बारबेड वायर लाता हूँ वहाँ से तो चल रहे हैं, काफ़ी है तो 7-8 साल के भी है अभी तक मेरे पास से, जो 8-1 साल हो गया। और ये जो चैनल है कि इसका भी शायद 6 साल के ऊपर हो गया, तो आज भी एकदम फ्रेश लग रहा है कि नया, तो चलेगा और भी 10 साल और भी चलना चाहिए मेरे ख्याल से, कि अभी तक का जो है मेरा 8-10 साल से तो उसे एक्सपीरियंस है तो अच्छा ही है।